अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी जितनी भी आपने अभी तक देखी। अगर अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है होममेड मलाई चिकन। होममेड इसलिए क्योंकि घर के मसालों से कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं है। और इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो चिकन है, नॉर्मल कढ़ाई कट जिस तरह होते हैं वैसे ही कट करना है, 2 गट्टी हरा धनिया की है, 1 पाव दही है अबाउट 1 बाउल, मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद सीरा पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर। कचरी पाउडर इसलिए ताकि चिकन हमारी सॉफ्ट हो जाए, इसकी कुकिंग टाइम क्योंकि कम है तो इसलिए कचरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि चिकन हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। मिल्क पैक क्रीम, डेरी क्रीम हम यूज़ करेंगे प्लेन, और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 8 से 10 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सारे मसाले ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। ब्लेंडर के जग में मैंने सबसे पहले धनिया डाला है सारा, और अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी दही। इसके बाद जितने भी मसाले थे, नमक, कचरी पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये सारे एक साथ मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करनी है सारी, हटा के कट करके। कट करने का मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स ख़राब निकलती हैं अंदर से, बाहर से बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। हरी मिर्चें सारी कट करके डाल दी। अब जो क्रीम का पैकेट मैंने आपको दिखाया है वो मैं 1/2 पैकेट अभी इसमें मिक्स करूँगी, 1/2 पैकेट में रोक लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन की फ्राइंग में यूज़ करेंगे हम। ये 1/2 पैकेट मैंने डाल दिया है और 1/2 पैकेट मैंने रोक लिया है जो ग्रेवी में यूज़ होगा। अब मैं इसे ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। एक बाउल में चिकन आपने डालनी है सारी, और इसके बाद आपने इस पे लगाने हैं कट्स इस तरह करके। सॉफ्ट कट्स लगाने के बाद जो ये मसाला तैयार किया है हमने दही का, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। कट्स इसलिए लगाएं ताकि जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक जाए, और जब चिकन फ्राई हो तो अंदर से ड्राई ड्राई ना रहे। आपने भी इसी तरह इसको मिक्स करना है, और 1 घंटे के लिए इसको ढक के फ्रिज में रख दें मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम 1 आवर रख सकते हैं इसको ताकि इस पर मसाला अच्छे से चढ़ जाए, देन हम इसको करेंगे फ्राई। वाटर का ऑयल लेना है आपने, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि क्रीम जब डलेगी तो उसका भी अपना ऑयल निकलता है। अब 1 बाय 1 चिकन के पीस लेके सारे ऐड करने हैं आपने। और इसको अच्छे से करना है फ्राई। सारे पीस मैंने डाल दिए हैं, जो लेफ्ट ग्रेवी थी वो मैंने रहने दी है, वो मैं लास्ट में डालूंगी बाद में। फुल फ्लेम रखना है आपने और इसको अच्छे से फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये चिकन और दही का अपना ही पानी निकलेगा। फ्लेम बस आपने स्लो नहीं करना, फुल कर लेना। चिकन आप देख सकते हैं फ्राई हो रही है, इसका अपना पानी निकल रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, सारा ऐड करना है आपने, 1 टेबल स्पून फुल, और इसको मिक्स करना है लहसुन अदरक के साथ ताकि लहसुन अदरक की कोटिंग सब चिकन पे अच्छे से हो जाए।
चिकन आप देख सकते हैं कच्ची पक्की ये पकना शुरू हो गई है। पानी ये इसका अपना दही का और चिकन का पानी निकल रहा है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम करके ढक दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट्स बाद मैंने इसका कवर हटाया है और चिकन बहुत अच्छे से गल गई। अब मैंने फ्लेम फुल रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो जल जाए। इसके अलावा अब जो हमारी ग्रेवी रह गई थी चिकन वाली वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी। अच्छा, आप इसको बनाकर 2-3 घंटे पहले रख दें तो ये गाढ़ा हो जाएगा, मतलब कि इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। फौरन आप इसे निकालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत इसका रनी ग्रेवी हो रही है, लेकिन जब आप इसे रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और जब आप इसे दोबारा गरम करेंगे तो ये बिल्कुल सेट रहेगा, थिक ग्रेवी रहेगी, इस तरह वाटरी नहीं रहेगी। फ्लेम आपने फुल ही रखना है अभी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम जो हमने बचाई थी। ग्रेवी अच्छी सी सेट हो गई है, अभी आपको ये पतली लग रही है लेकिन अभी ये खुद ही ड्राई हो जाएगी। ऑयल क्योंकि साइड से ऊपर आना शुरू हो गया, एज यू कैन सी ऑयल आ रहा है ऊपर। अब मैं इसका चूल्हा करूंगी बंद और मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम जो कि मैंने विस्क कर ली थी थोड़ी सी, जो पैकेट हमने बचा के रखा था वो सारा इसमें ऐड करना है आपने। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए फ्लेम बंद करने के बाद ये थोड़ी थोड़ी थिक हो गई है। चूल्हा आपने बंद ही रखना है क्रीम मिक्स करने के बाद, अब फ्लेम ऑन नहीं करना है। जब आपको लगे क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है, जैसे यहाँ पर अच्छे से क्रीम मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें जो काट के रखी थी, अदरक, हरा धनिया, जूलियन कटिंग करनी है अदरक की, और अब इसको ढकना है बस। 1 घंटे बाद जब मैं इसको निकालूंगी और आपको सर्व करके दिखाऊंगी। हरा मसाला और अदरक वगैरह डाल के इसको आपने 1 घंटे के लिए रख देना है। मीन वाइल मैं इसमें कोयले का स्मोक रेडी करूंगी, तो मैं कोयला रख दिया है। जब तक ये इसको 1 घंटे तक हमें रखना है उसी टाइम पर मैं इसमें कोयला डाल दूंगी, देन आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कोयले का स्मोक देने के बाद इसको डिशार्ट कर लिया है। यमी से हमारी मलाई चिकन रेडी हो चुकी है। आई होप आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत इजी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मलाई चिकन रेडी हुई है, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।